तो बिस्वानी क्लासेस में मैं बिस्वानी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7:30। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट क्लास लेने का मूड बनाया, मैंने सोचा आप लोग बैठे तो अपने घर में ही हो, ऐसा तो है नहीं कि ठंड में मैंने क्लास में बुला के तुमको बिठा दिया है। 25 लोग 40 लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि सर कब आएंगे। तो हमने कहा तुम भी आराम से घर में हो, हम भी आराम से घर में है, ऑनलाइन का यही तो मजा है। थोड़ा लेट भी है तो ये नहीं कि हमारा काम बंद है, अपना किचन में काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। हमारी जो बहने हैं वो सब किचन में ज्यादातर व्यस्त रहती हैं। हर्षु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा सभी को। अर्चना गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है, छुट्टी का माहौल है क्या? सरकारी घरों में छुट्टियां छुट्टियां होंगी, प्राइवेट में तो खैर छुट्टी नहीं होगी कोई, जो हमारे प्राइवेट स्कूल से मेरे ख्याल से खुले होंगे आज, नहीं हो सकता है बंद हो वो भी। मैरी क्रिसमस आपको भी, और सभी धर्मों को समान रूप से मानने वाला हिंदुस्तान का इकलौता देश भारत, जिसमें गर्व है मुझे रहते हुए, और आपको भी होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल मैं आ गया, और मैं चाहता हूं कि आपको भी भैया बहुत प्यारी सुबह की बहुत प्यारी नमस्ते। इम्पोर्टू का मीन्स शायद आप कल बता दिए थे, हमको लग रहा है ये 2009 PGT का क्वेश्चन है और इसका सिनोनिम पूछा था उसने, तो इम्पोर्टू का मीन्स आपने क्या बता दिया था कल या नहीं बताया था? इम्पोर्टू, हाँ हाँ बिल्कुल किचन में होंगी। और हम पराठा, हमारा जो है आज प्लान है खाने का हम लोगों का, अभी हम लोग पराठा बनाएंगे और खाएंगे उसको, ठीक है ना। और फिर स्टूडियो में थोड़ा सा काम है, दोपहर में 2-3 घंटे के लिए मैकेनिक आएंगे और कुछ मैंने सोचा है उस तरह से इसको थोड़ा बनवाना है और थोड़ा सुविधाजनक, ताकि इसको चीजें यहाँ पर जो हैंडल करने में इतना जो देर लगती है, थोड़ा सा सिस्टम सेट करने में चाहता हूँ बिल्कुल सेट ही हो जाइए, है ना। तो चीजें धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं मैं। आ जाओ भैया, बिल्कुल ऑफ हैंड होता है और ये जैसे ही आपने उत्तर बताया मैं तुरंत निकल लेता हूँ, बेहतरीन प्रैक्टिस करना है हमको मॉर्निंग की क्लास में। हम प्रैक्टिस करते हैं वोकैबुलरी की और पढ़ते हैं नॉर्मल लेवल्स की, लेकिन बचे हुए ये क्वेश्चंस निपटाने के चक्कर में आज मैंने और पोस्टपोन की वो क्लास। द सिनोनिम ऑफ पॉन्टिफिकल, बहुत बढ़िया वर्ड है पॉन्टिफिकल, और 82 नंबर ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम PGT 2009 में और ये सिनोनिम मांग रहा है। क्या है ये, एडवाइजरी है क्या, स्प्लेंडेड है, वर्डी है या बोस्टफुल? बिल्कुल ये एडवाइजरी है, बिल्कुल ये सी नहीं है, ये स्प्लेंडेड नहीं है, ये एडवाइजरी है। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं आ रही है, बस आपको बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस करने को मिल रही है। और ये है आर्केइक। व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ आर्केइक वर्ड इज, आपको कई बार ये बताया जा चुका है, दूसरा सिनोनिम इसमें दिया हुआ है, उसको आप ढूंढेंगे और लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विनीत भैया, कल मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि बच्चों के साथ मैं बहुत ज्यादा बिजी था, स्काउट कैंप की वजह होने की वजह से खूब सारे कैंप्स लगे हुए थे, सब अपने अपने बच्चे, इतना क्रिएटिव बच्चे हमारे, ठीक है ना, तो पूरा दिन उसी में बीत गया मेरा। और 83 का डी, प्रिमिटिव, प्राचीन काल का, बहुत ही पुराना, बिल्कुल। सिनोनिम ऑफ वैगार्ड, वैनगार्ड, ये है वैनगार्ड। वैनगार्ड का सिनोनिम क्या होता है आप बताएं हमको, क्या वॉचमैन है, प्रोटेक्टर है, सिक्योरिटी मैन है या फोर फ्रंट है? फोर माने आगे, फ्रंट माने सामना। 84 क्वेश्चन नंबर का ये जो क्वेश्चन आया था बेटा, ये आया था, एग्जाम नहीं दिया है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, और ये फोर फ्रंट ही है, बिल्कुल सबसे आगे, गीता ठाकुर ने उत्तर दिया सबसे पहले, फोर फ्रंट ही वैनगार्ड का मतलब होता है, वह सामना जो सबसे आगे है, सबसे पहले है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमागॉग, व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ डेमागॉग, यू हैव हर्ड दिस वर्ड बिफोर ऑलरेडी, यू हैव ऑलरेडी हर्ड दिस, हाँ बिल्कुल फोर फ्रंट है अंशु, और इसका हर्षु, हर्षु नया नाम लग रहा है वहां पे, कौन है, भैया है कि बिटिया है? कमेंट क्लास में हूं सर, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
क्लास में रहना ही जरूरी है, बस और कुछ नहीं। डेमागॉग का मतलब लीडर हु चेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज, या लीडर हु कमिटेड टू द नेशन, या अनप्रिंसिपल्ड, या नन ऑफ दिस। तो खुद कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये 85। और आप इसका उत्तर क्या सोच रहे हैं, कौन सा सबसे नजदीक होगा इसका? पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है ये। ना 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 ना, बी थोड़ी। देखो उसने क्या किया, उसने आपने जो पढ़ा था वो आपकी पूछ पकड़ा दी आपको। आपने जब इसको वन वर्ड में पढ़ा था तो यही पढ़ा था, अ पॉलिटिकल लीडर। आगे आपने ध्यान नहीं दिया को पॉलिटिकल लीडर करता क्या है, वो लोगों के अंदर जो है भड़काता है उनको, चाहे वो धार्मिक नजरिए से हो या किसी सोशल मुद्दे पर हो, वह आपको भड़का करके गवर्नमेंट के खिलाफ करता है। उसका कोई खास प्रिंसिपल नहीं होता जीवन में, वो किसी भी पार्टी में कहीं भी जा सकता है, इस तरह का बंदा होता है। तो वो अनप्रिंसिपल्ड होगा, ना कि लीडर हु चेंजेस। ये चेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। यहां तक तो सही था ये दोनों, ये भी यहां तक हु इज कमिटेड ऐसे भी तो सही था, लेकिन नेशन को कमिटेड नहीं होता, वो तो लोगों में भड़काता है और उनको भड़का के अपने फायदे के लिए यूज करता है, तो वो अनप्रिंसिपल्ड ही होगा। इनमें से कोई बढ़िया व्याख्या नहीं कर रहे उसकी। हाँ, ये अनप्रिंसिपल्ड होगा, वो भड़काता है लोगों को, डेमोगॉगिक भाषण देता है, जैसे एंटनी ने क्या किया था। एंटनी ने जूलियस सीजर की डेथ के बाद उसकी बॉडी पर लोगों को डेमोगॉग के जरिए भड़का दिया था। वह उसका जो मोनोलॉग वहां पर था वो एक्चुअली डेमोगॉग था, जो एंटनी का मोनोलॉग था वो एक्चुअली डेमोगॉग था, समझ रहे हैं, जो उसने जूलियस सीजर की मृत्यु पर दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अनप्रिंसिपल्ड पर्सन ये ज्यादा नियर है आंसर के। मैनेजरी, मैनेजरी इज मैनेजरी, मैनेजरी है मैनेजरी नहीं है, सॉरी, मैनेजरी या मैनागरी इज द प्लेस फॉर, क्या होता है मैनेजरी? अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, 86 में थोड़ा सा देखिए, फिश एंड वाटर प्लांट है ये, वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स हैं, एम्यूनिशन एंड वेपन्स हैं, या इनवैलिड टू एंजॉय गुड हेल्थ है, इनवैलिड्स हैं उसके गुड हेल्थ के, एंजॉय गुड हेल्थ के। क्वेश्चन नंबर 86 जानते हो कब आया था ये? ये आया था 2009, पीजीटी का ही है ये भी। हाँ बिल्कुल, आपने जू देखा है। हाँ बिल्कुल, ये जू का ही दूसरा नाम है। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करना ये मेनागरी कहलाता है। ये जू में केवल जानवर होते हैं और अवियरी में केवल पक्षी होते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों पोर्शन होते हैं मेनागरी में, जिसमें वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं साथ साथ में बर्ड्स भी होती हैं। टीटू टेलर, ये टीटू टेलर क्या होता है? वन हु टोटली एब्सटेंस फ्रॉम वाइन, वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक थिंग्स, वन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ सेंसुअस एंजॉयमेंट्स, वन हु हैज इररेजिस्टिबल डिजायर फॉर अल्कोहल, पिए बिना रहा न जाए, क्या ये है वो, या जो कभी नहीं लेता कुछ भी इंटॉक्सिक वो है, या डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक, वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता, कोई नशा किसी प्रकार का नहीं करता। लिटरेचर कब से होगी? लिटरेचर रोज होती है। टीजीटी की लिटरेचर पीजीटी के साथ आधी ज्यादा तो कवर कर दूंगा मैं बेटा लाल मेरे। अभी जब मैं टीजीटी पीजीटी शुरू करूंगा तो मैं टीजीटी वाले राइटर से शुरू करूंगा, शेक्सपियर से शुरू करूंगा, बस मर रहे हमारी। तो जैसे मैंने शेक्सपियर शुरू किया, अब इसका मतलब है दुनिया भर की सारी ग्रामर की वो लिटरेचर चालू हो गई इसमें। हाँ शेक्सपियर शुरू करो आप, वर्ड्स वर्ड शुरू, किसमें नहीं है, टीएस इलियट किसमें नहीं, सब में है लगभग, है ना, और टीजीटी में नहीं है केवल। तो कुछ कवि तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से, बस बहुत जल्दी शुरू होने वाली बात। अच्छा अगला हम शेक्सपियर ही शुरू कर देते, हमको कौन टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा, हमको तो सब पढ़ाना है बेटा। यू विल नेम इट,
टीटो टेलर है, बिल्कुल बी है, बी है, बी है, किसी प्रकार का इंटॉक्सिक ड्रिंक नहीं लेता है वो, किसी प्रकार का इंटॉक्सिक ड्रिंक नहीं लेता। इनक्रेडिबल का मतलब ये आसान है, मैं बता के निकल लेता हूं, अनबिलीवेबल है ये, जिस पर आप भरोसा ना कर सके, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ये कई बार आया है, आप जानते हैं इसको, लेजिटिमेट भी जानते हैं, वैधानिक होता है ये, वैलिड कहते हैं इसको, करेक्ट और राइटफुल और पजेसिव, हालांकि कंफ्यूजिंग देता है, जैसे वैलिड राइटफुल, आप सोचो कि इधर तो नहीं चला गया, नहीं, वो वैलिड उसका एक्चुअली वर्ड ही है वैलिड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो हम इसके हट जाते हैं, स्किलफुल। अब इसमें थोड़ा है कंफ्यूजिंग, हो सकता है आप कहीं फंस जाओ, वैसे फंसोगे नहीं आप। हाँ बी होगा, बी बेटा, बी रत्नेश सर, पहले एलटी क्लियर बेटा, सब कुछ होगा क्लियर, हम तो कॉम्बो पढ़ा रहे थे, इसका मतलब हमको सब पढ़ाना है मेरे लाल। एलटी तो चल ही रहा है, झमझम झमझम, कल परसों में ये संभावना है इसकी, जो है बस कुछ न कुछ हो जाएगा। अरे आपको लगा क्लास नहीं होगा, मुझे भी लगा था क्लास नहीं लेनी चाहिए, मेरे हमने कहा नहीं क्लास तो जरूर लेंगे। एड्रॉइट होता है बिल्कुल। अच्छा इसमें और ऑप्शंस हैं जो, अब जैसे एडवेंट है, अडॉप्ट है, ये सब बिल्कुल अलग है। एड्रॉइट एडवर्स ये विपरीत हो गया, ये एडवेंट माने जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, और अडॉप्ट माने अडॉप्ट का अलग वर्ड है ये, है ना, अडॉप्ट कर लेना किसी चीज को, गोद लेना, अपना लेना, अपना लेना, अप्लाई करना। विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द idiom backed up, backed up, बिल्कुल ये कई बार आया है, ये सेंटेंसेस में भी पूछा गया है, ही बैक्ड आउट और बैक्ड अप, ये कई बार पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी मेरे लाल, बहुत जल्दी अनिल कुमार, ऐप पे शुरू हो जाएगा, ऐप पे काम चल रहा है, कोई छोटा मोटा ऐप नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस हैं उसमें, इतना सारा मटेरियल आपने देखा होगा, झलक एक मिल गई होगी। रमेश भी बता रहे थे कि SSC और दूसरे जितने फ्री वाले मॉक टेस्ट पड़े थे वो सब मैं कर डाला हूँ, ठीक है ना सर, और बहुत विस्तृत ऐप आपने बनवाया है, बहुत बड़ा ऐप बनवाया है, जिस पर हिंदुस्तान में चलने वाले कोई भी एग्जाम का मैटर ना मिले आपको, ऐसा नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा एफर्ट है वो बेटा। अब उसमें एलटी का कुछ भी नहीं था, तो एलटी का सारा मटेरियल मैं डलवा रहा हूं, तो इस वजह से समय लगेगा और हमको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। शिवानी गुस्सा है, क्या हो रही है, क्या हुआ शिवानी, गुड मॉर्निंग नहीं बोला होगा मैंने, किसी गुड मॉर्निंग नहीं लिए तो तुम्हारी भूल गए होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग शिवानी बेटा, गुड मॉर्निंग प्रीति अवस्थी, गुड मॉर्निंग, अरे सबको गुड मॉर्निंग भाई, तमाम लोग हैं वहां, टाइम वेस्ट होगा मेरा। बैकडप का नाम सपोर्टेड होता है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल। डास्टार्ड मींस, ये बहुत प्यारा वर्ड है डास्टार्ड, और ये आया कब था जानते हो ना, 92 क्वेश्चन नंबर, ये आया था 2005 के TGT में। डास्टार्ड का मतलब क्या होता है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बिटिया रानी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शिवानी शुक्ला, गुड मॉर्निंग, मम्मी को भी नमस्ते, पापा को भी नमस्ते कहना, और मेरी संजना को भी नमस्ते कहना, मेरी पास में बैठी होगी वो, ऐसा तो नहीं उसको किचन में लगा के तुम आई हो गुड मॉर्निंग करने। रजिस्ट्रेशन बेटा अभी पूरी तरह से वो लाइव नहीं हुआ है मेरे लाल, इस वजह से ऐप में थोड़ा टाइम लग रहा है। 92 का डी उत्तर आ गया है कॉवर्ड, और अब मेरा प्रश्न अगला है कि डास्टार्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, डास्टार्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, स्पीच क्या है ये। डास्टार्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, बिल्कुल कवर्ड है, हाँ बिल्कुल कवर्ड है, कवर्ड है उत्तर, ठीक है। हम पूछे जो उसका जवाब नहीं दोगे तुम, हम जो पूछे, रमेश भैया देखो दूर का दिमाग लगाए हैं, दूर का दिमाग लगाए हैं रमेश भैया, अरे सब भाई के पास दिमाग है, सब आज अब सावधान हो गए नालायक, वो जानते अगर कावर्ड जो है नाउन है तो इसका मतलब ये भी नाउन ही है, ये दिमाग लगाया तुम लोगों ने, बिल्कुल ना, मैं यही मैं चाहता था कि आपके अंदर सोचने की क्षमता डेवलप हो रही धीरे धीरे किसी भी वर्ड को लेकर के, क्या ऐसे नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो जो सर ने हमको जो भरा है अंदर हमारे, हम उसका यूज करें। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगता है,
जब आप मेरे सिखाए हुए जो है चीजों को अप्लाई करते हो, अपने आप अप्लाई होने लगेंगी ना। मेरी क्लास का असर ही ऐसा है, वो अपने आप आपका दिमाग उनको अप्लाई करने लगेगा, अपने आप से करने लगेगा। यही तो मैं चाहता हूं। नेक्स्ट टू बट नॉट नेसेसरी टचिंग इज नेक्स्ट टू, जो बिल्कुल बिल्कुल पास में हो उसका क्या कहते हैं? नॉट नेसेसरी टचिंग, जो बिल्कुल टचिंग ना कर रहा हो कोई समस्या नहीं, टचिंग भी कर सकता है ना भी कर रहा हो तो चलेगा, वो क्या कहलाता है? 93 क्वेश्चन आया कब था जानते हो ना? ये आया था 2005 के टीजीटी में ही आया था बेटा ये। ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट एडजेसेंट एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है, बिल्कुल ये एडजेसेंट है। नेक्स्ट टू ये और ये इसके बगल में ये बैठा है और इसके बगल में नेक्स्ट एडजेसेंट। टू रिफर्बिश क्या वर्ड है भाई? किसी को आप रिफर्बिश करते हैं तो क्या हो जाता है वो रिफर्बिश का मतलब? 94 क्वेश्चन नंबर 2005 का है ये टीजीटी का, 2005 टीजीटी। ये नहीं, ये रेनोवेट है बेटा, ये डी है। हाँ रेनोवेट है, ये रेनोवेट है, ये रेनोवेट करना किसी चीज को। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, रिफर्बिश करना, रिनोवेट करना। द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटेड, सॉलिसिटर आपने सुना है, सॉलिसिटेड का मीनिंग वर्ब की तरह जब यूज किया जाए तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 95 आया कब था ये? 2005 के टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के करीब लाता है, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको सिलेक्शन के करीब ले जाते हैं। रेनोवेट बिल्कुल 95। रिक्वेस्ट एडवाइस हेंस ऑप्शन ए, रिक्वेस्ट या एडवाइस बिल्कुल यही है, हेंस ये बिल्कुल जो आपने उत्तर दिया वही सही है। ये प्रैक्टिस आपकी हो रही है, कॉम्पैक्ट का मतलब कई बार आप सुनते हो कॉम्पैक्ट नॉन कॉम्पैक्ट इस तरह से चीजें, तो कॉम्पैक्ट का मतलब एक्चुअली क्या होता है ये पढ़ाया गया है आपको ग्रामर में भी, मैंने एक चैप्टर में इसका नाम लिया कई बार, है ना, कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। 96 का ये नंबर है क्वेश्चन का और आया था ये टीजीटी 2005 में। देखो कॉम्पैक्ट एक तो एक छोटा सा डब्बा महिलाओं के पास होता है जिसमें थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा पाउडर या थोड़ा सा मतलब चेहरे को अपने सही करने के लिए उनके पास कुछ औजार होते हैं महिलाओं के, जब चेहरे को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, मेकअप की जरूरत पड़ती है, रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है, रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो उस कॉम्पैक्ट बॉक्स का यूज करके वो अपने चेहरे को रिपेयर कर लेते हैं। हम लोगों का रिपेयर के काबिल ही नहीं होता, ऐसा होता है कि वो रिपेयर करके भी कुछ ही काम का नहीं हो सकता, तो ये कॉम्पैक्ट बॉक्स महिलाओं के पास होता है, इसको कॉम्पैक्ट कहते हैं। एक और कॉम्पैक्ट चीज होती है कंप्यूटर में, एक डिस्क होती है जो कई चीजों को मिला करके एक साथ कर दी जाती है, तो उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। उस कंप्यूटर की भाषा में मैं तो बता नहीं पाऊंगा आपको, तो उसको भी कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से जब किसी चीज को एक सही स्ट्रक्चर में एक साथ रख दिया जाए तो उस वर्ब को, उस क्रिया को भी हम कॉम्पैक्ट कहते हैं। जब किसी एक जगह पर किसी दो चीजों को एक सिस्टम में बिल्कुल सही करके कॉम्पैक्ट कर दिया जाए,
उसको भी हम कॉम्पैक्ट करना कहते हैं, यानी कंप्लीट करना, पूर्ण करना उसको, वो सेल्फ सफिशियंट बनाना, वो अपने आप में कंप्लीट है, यहाँ पे लगे इसको उठा के लगा दोगे तो अपना फंक्शन चालू कर देगी। और ये बनी है कई लोगों, कई चीजों से मिलकर, कई चीजें पुट टुगेदर टू मेक इट अ कॉम्पैक्ट थिंग, ठीक है ना, इसको कॉम्पैक्ट बनाया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है शायद, देखो बता रहे हैं सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जैसे होती है। हाँ मेकअप किट, हाँ मेकअप किट, वही वही डिब्बा छोटा सा कॉम्पैक्ट। चाय के साथ लड्डू कैसे लगेंगे? अरे तू लड्डू खिला रही हो उनको। फेस पाउडर फॉर वुमेन कॉम्पैक्ट सॉफ्टवेयर, या तो यहाँ पर पुट टुगेदर, यस यस यस। तो यहाँ पे ये वाला, इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है, और यही सबसे सही है। अब बात समझ पाए कि नहीं? हाय रब्बा, औजार बता दिए मेकअप थिंग्स को सर जी, वो औजार ही है, सिक्का भी दिच्छा से कम नहीं है, वो औजार ही है जो आपके चेहरे पर जब रिपेयरमेंट की जरूरत, उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसको निकालते हो और अपने चेहरे को रिपेयर करते हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हम लोगों को चेहरे को रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे उठे सो के थोड़ा बहुत पानी वानी इधर उधर लगा लिया और जैसा है वैसा ही, इतना काफी है कि उस पर रिपेयर करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है ना। या इसको भाई आप अपनी खुशी के लिए ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना बिगड़ा चेहरा है जिसको रिपेयर करके भी कुछ नहीं किया जा सकता, इस तरह आप खुश हो सकते हैं कहकर क्योंकि ऐसा चेहरा दिया भगवान ने जिसको रिपेयर पाउडर और लिपस्टिक लगाने के बावजूद और भद्दा लगने लगेगा, कुछ ऐसा ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है। आप अपने को अच्छा लगे इसलिए ऐसा भी सोच सकते हो। स्केमेटिक मीन्स क्या होता है? स्केमेटिक मीन्स क्या होता है? क्या ये डिस्टर्बिंग होता है, डायबोलिक होता है, या ग्रामेटिक होता है, या डायग्रामेटिक होता है? स्केमेटिक जो स्कीम्स रखी हैं चीजें, 97 का बहुत बढ़िया वर्ड है ये, और आसानी से अंदाजा भी लगा लेंगे आप। 2005 टीजीटी में आया था ये। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की स्पेलिंग देखो लिखी नहीं। हम पहले से ही हैंडसम, हाँ ये कह सकते हैं आमिर भैया, ये तो नहीं, तो ये चीज उनको तकलीफ दे सकती है इसलिए ये नहीं कहेंगे हम लोग। हम लोग ये कहेंगे कि हमारा चेहरा तो इतना बिगड़ा हुआ है कि ये रिपेयर करने के बाद भी कोनो फायदा नहीं होगा, इसलिए हम उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, तो ये लोग खुश रहेंगे थोड़ा सा। डायग्रामेटिक ही सही है, बिल्कुल सिस्टम से डायग्राम के अनुसार सारी चीजें जब रखी जाए तो डायग्रामेटिक होती है। इनको खुश भी रखना है ताकि जीवन सुकून से कटता रहे, इनको खुश भी रखना है ताकि जीवन बहुत आनंद से बीते, बहुत ही प्रफुल्लित रहे हमेशा आप। और ऐसा तभी होगा जब ये पूरा वर्ग, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बीबी के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, ये सब के सब अगर खुश हैं तो ही आप सबसे खुश इंसान है इस दुनिया के। इनमें से कोई भी एक नाराज है तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। हाँ, सर को सजने की जरूरत नहीं होती, बिखरे हुए सुंदर लगते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। आई रैन इंटू एन ओल्ड रिलेटिव एस्टरडे, तो रैन इंटू का मतलब क्या होता है? हम उसके अंदर घुस गए क्या? मेट बाय चांस, कोलाइडेड, मूव फास्ट, या हिट एंड रन। 98 नंबर क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जामिनेशन में 2003 में आया था और पीजीटी में आया था। एक बार सुबह ऐसे ऐसे बालों में हाथ लगा लिए और फिर जो है दूसरे दिन ही उतने ही टाइम शीशे के सामने फिराना। मैं तो खैर कैमरे के सामने रहता हूं हमेशा, अपने आप को देखता रहता हूं, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक्सपीरियंस फुल है सत्येंद्र भैया। देखो हमारा मानना यह है कि आपके परिवार की एक भी महिला अगर जरा भी नाखुश है तो आपका परिवार मजे से नहीं चल पाएगा, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, और चाहे वो बीबी हो, ठीक है ना।
और बीवी चाहे आपकी हो चाहे आपके पिताजी की हो, एक ही बात है, महिला जो है आपके परिवार की बेहतरीन तरीके से प्रफुल्लित और खुश रहनी चाहिए और आपकी जिंदगी हमेशा के लिए आनंदमयी हो जाएगी, परमानंद हो जाएगी। ये क्वेश्चन 98 का ए बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल 98 का ए ही सही, ना ए नहीं सही होगा। देखो ऐसा है ना, ए का मतलब है मेट माई चांस, लेकिन रैन इनटू का मतलब होता है एक चीज इधर से आई एक चीज इधर रही और टक्कर हो गई, यहां पर टकरा गए, तो ये थोड़ा सा मेट बाय चांस एक्सप्लेन तो कर रहा है, ज्यादा बेटर इसका ओल्ड रिलेटिव से कोलाइड हो गया, टकरा ही गया, वो उधर से आ रहा था इधर से आ गया, टकराए फिर मिले, तो ये मिलना तो वो मिलना है कि आए और देखा वहां पे अचानक, अरे भैया नमस्कार, अब ठीक है सब भैया, हाँ तो मेट बाय चांस, और ये का हो गया ये टकरा गया, क्योंकि रैन इनटू का मतलब ही होता टक्कर से, तो मेट बाय चांस से ज्यादा बेटर आपके आयोग ने आपके बोर्ड ने ये ही माना था, और वास्तव में ये है भी बेटा यही सही है, ठीक है बाबू, कोनो दिक्कत ना लेना, हमने बता दिया है इसको। आ जाओ, How are you getting along with your students? Getting along can be replaced by किससे? Get along is what? मैंस के हेयर भी बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पापा के भी। अच्छा ठीक है, हेयर की स्पेलिंग गलत लिखी हो ना लाए, एच ए आई आर लिखो, एच ए आई आर हेयर, ठीक है ना। सी सी 99 का आप बता रहे हैं सी, और ये 99 कब आया था जानते हो, 2003 में आया था ये, और ये सी ही बिल्कुल सही है, इसका मतलब है प्रोग्रेसिंग, गेट अलॉन्ग विद, इस तीनों वर्ड का फ्रेज जो बना इसका मतलब है डेवलपमेंट करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, निरंतर प्रगति करना। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स, व्हाट डू यू थिंक द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड डिस्पेंस विद द बुक्स, ही डिस्पेंस हिज लाइफ विद द बुक्स, 100 नंबर क्वेश्चन। आज मैं कितना एक्साइटेड हूं, कल परसों से ही, जब से मैंने ये सोचा है कि मैं छत पे नहीं गया 3 दिन से, आपकी क्लास को लेने के बाद अपनी आराम कुर्सी में बैठूंगा और आज धूप का आनंद लूंगा बैठ के अपनी छत पे। स्कूल में हमारे धूप रहती है, बढ़िया माहौल रहता है, लेकिन नालायक तंग बहुत करते हैं इधर से, सर जी सर जी सर जी सर जी, मेरे कान फट जाते हैं सुनते सुनते, अगर किसी को किसी ने कुहनी मारी है तो मेरे पास आता है, किसी का गेंद खो गया है तो मेरे पास आता है, किसी का बैट नहीं कोई दे रहा है तो मेरे पास आता है, चाहे वो क्लास 6 का हो चाहे वो 10th क्लास का हो, किसी का सेंटेंस नहीं समझ में आता तो मेरे पास आता है, सर जी याद करके नहीं आए हैं तो हमारे पास आता है, ई याद करके नहीं आए सर जी इनसे सुनो। रामवरण भैया कैसे हैं बेटा, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अभिभूत करते हैं, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें किसी भी प्रकार की, ना ये बिस्वानी क्लासेस है बेटा, यहां पैसे को महत्व तो नहीं दिया जाता, ठीक है ना, यहां आपका महत्व है। बाय बेटा बाय, हाँ ठीक है जाओ, बिल्कुल डिस्पेंस विद का, और ये 100 नंबर जादू कब आया था, ये आया था 2004 के पीजीटी में, और बी ही इसका बिल्कुल सही है, डू अवे विद द बुक्स, ये बी ही सही है बिल्कुल। अगर जिंदगी में आपने अपने काम का मजा नहीं लिया तो आप बेस्ट तो बेस्ट है, आप अच्छा भी नहीं कर पाओगे, बस यही मानना है मेरा, अगर आपने अपने काम को आनंद पूर्वक नहीं किया उसमें थोड़ा सा लोगों को दूसरों को लगेगा इस समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा है, लेने देना, हमको अपनी जिंदगी जीना है इसी तरह से आराम से, उसको अपने काम में डूब करके, ठीक है ना, और आप भी स्टडी करिए तो उसी में खो के करिए तभी स्टडी हो पाएगी, नहीं तो नहीं, उसको प्राइमरी टास्क बनाइए अपना तभी मजा आएगा। चूज द वर्ड दैट क्लोजली क्लोजेस इन द मीनिंग
इम्यूनिटी, या बात बहुत बढ़िया, दोबारा आया है, एक बार मुझे याद है कि ये और करवाया था मैंने यही वर्ड। हाँ बिल्कुल, प्यार तो करते हैं वो, प्यार वो सबको करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा नजदीक रहने की कोशिश भी करता हूं बच्चों से, ठीक है ना, डरते भी मेरे से बहुत हैं, लेकिन उनकी डिमांड, हर डिमांड पूरी होती है, चाहे वो भूख लगी हो उनको, और चाहे मतलब कोई भी डिमांड उनकी है तो वो पूरी जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉल खो गई है तो चिड़िया नहीं है, टूट गई है तो चिड़िया आएगी। वॉलीबॉल खो गया है तो दूसरा आएगा, कुएं में गिर गया था एक तो फिर दूसरा निकाला हमने, लाए तो दो हम, लेकिन दिए एक ही थे, एक अंदर रख दिया था, हम जानते थे चार दिन में फोड़ देंगे इसको, तो उसकी बखिया उधेड़ दी चार दिन में खेल करके, फिर कुएं में गिर गया तो उससे मुक्ति पाई हम लोगों ने, उनका चलो कुएं में पड़ा रहने दो इसको, फिर दूसरा निकाला। एक्सो एक का बी बिल्कुल नहीं, टॉलरेंस या नहीं, नहीं एक्सो एक का टॉलरेंस नहीं होगा, ना 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 ना, ये फ्रीडम होगा, जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, देन यू फील फ्री, एंड फ्रीडम इज द करेक्ट वन, ए यस बेटा फ्रीडम होगा इसका, मैंने इसीलिए कहा ये दोबारा आया है, एक बार और आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में। हाँ बिल्कुल ऐप है, लेकिन अभी ऐप में नहीं बता रहा हूं इस वजह से, क्योंकि वो लाइव पूरी तरह से नहीं हुआ, वो आपको मिलेगा बलजीत भैया, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, ठीक है। हाँ ह्यूमिनिटी का मतलब फ्रीडम से ही होता है बेटा, बिल्कुल यही है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा बारी बारी से। द वर्ल्ड टेराइन, टेराइन मीन्स क्या होता है, इसको आपने हिंदी में कुछ और नाम से, तराई नाम से पढ़ा है क्या सर? बच्चों के जैसा अधिकार होता है, उनके पास जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है उनका, मुझे गवर्नमेंट ने वहां इसीलिए तैनात किया है कि जिस भी प्रकार के बच्चे हैं वो जैसे भी हैं से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बच्चे हैं बस, वो किसी जाति से नहीं, वो किसी धर्म से नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ बच्चे हैं। और दुख और चिंता ये है कि अधिकतर लोग ऐसा नहीं सोचते, और फिर उनकी नकली नौकरी खतरे में आ जाएगी। अगर आप अपने काम को जीवन में आनंद से नहीं करते हैं, नियमित रूप से और सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आपका जीवन दुखमय हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित जान लीजिए। मैं सभी सरकारी नौकरों से कहता हूं, मैं सभी सरकारी टीचरों से कहता हूं, स्पेशली अपने भाइयों से जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, ठीक है ना, मेहनत करिए आप लोग। आप लोग इतनी थर्ड क्वालिटी का मटेरियल हमको सिक्स में दे रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता आपको, बस आप पढ़ाना शुरू करिए, नहीं तो आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे पक्का। आप कितना भी पैसा कमा के रख लो, कितने भी मकान बनवा लो, घर बनवा लो, एक भी नहीं वो सब बेच के खा जाएगा, अगर आपने इन प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाना शुरू किया मेहनत से, जैसे एक प्राइम मॉन्टेसरी में पढ़ाया जाता है। मैं भविष्य बोल रहा हूं आपके बच्चों का, अगर कोई है इसमें से या ऐसा है उसके घर में, तो उससे बता दीजिए साफ साफ, आपकी आपकी आने वाली जनरेशन संकट में पड़ जाएगी। द वर्ल्ड टेराइन का मतलब क्या है? ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बिल्कुल यही सही है, डी 102 का। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड डिस्पोर्ट, नहीं आप टीचर नहीं बदलेगा तो समाज को बदलेगा कौन? ये हमारी जिम्मेदारी है भाई, हमारी जिम्मेदारी है ये, हमको गवर्नमेंट ने इसीलिए लगाया है वहां, और अपने हिसाब से वो मोटा पैसा भी देती है। आपको हरामखोरी सूझ रही है, 70,000 रुपए 80,000 रुपए पा करके आप जाके वहां स्वेटर बीनते हो सारा दिन, एहसास भी आप क्या कर रहे हो, भारत को खोखला कर रहे हो आप, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमारा प्राइमरीज में पढ़ता है, प्राइमरीज में पढ़ता है, और वो मजबूरी वाला जाता है प्राइमरी में, जिनका कोई नहीं होता, उनका होके तो दिखाइए, आपके परिवार, आपका बच्चे, आपके सब एकदम सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, उनको कभी कोई दुख और संकट नहीं आए, अगर आप उन बच्चों को पढ़ाओगे तो। सिर्फ पढ़ा के देखिए आप कैसा लगता है, यह हमको बताना, और आपको नहीं आता तो इस्तीफा देके घर जाइए, किसी दूसरे को मौका दीजिए। कोई मेरा स्टूडेंट, और मैं ऐसे ही स्टूडेंट पैदा करने वाला हूं यहां से, बिस्वानी क्लासेस से, यही ध्येय है हमारा, यही हमारा ध्येय है, खासतौर से यूपी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट, डिस्पोर्ट का मीनिंग क्या है? पोर्ट का अपोजिट है ये डिस्पोर्ट, और 103 नंबर क्वेश्चन 2004 में आया था, और ये ए ही सही है। हाँ बिल्कुल बेटा, एम यूज करना, डिस्पोर्ट करना।
टू अम्यूज करना, मस्त करना, आनंद देना, खूब अच्छा लगे आपको ऐसा बना देना. चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू कनाइव. कनाइव, और ये कब आया था जानते हो? 104 नंबर क्वेश्चन आया था, ये आया था 2004 के पीजीटी में बेटा. यस, यही होगा इसका. मजा तो तब आएगा जब मैं हर साल कम से कम 400-500 टीचर बनाऊंगा. हर भर्ती में 400-500 टीचर मुझसे पढ़ के जाएगा, और जो मुझसे पढ़ के जाएगा वो क्रांति की मसाल ये बढ़ाएगा, जलाएगा, आगे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि मैं मॉरली उनको इतना स्ट्रांग करने वाला हूं. मैं मॉरली उन टीचर को मॉरली इतना स्ट्रांग करने वाला हूं कि वो जाकर के जिंदगियां बदलेंगे उन प्राइमरी स्कूल के बच्चों की, जूनियर के स्कूल के बच्चों की, और इंटर कॉलेजेस की. जो माध्यमिक में बच्चे मजबूरी में पढ़ने जाते हैं वो शौक से जाएंगे, अपने टीचर का जिंदाबाद करते हुए जाएंगे. ये डिसरिगार्ड होगा, बिल्कुल 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 डिसरिगार्ड होगा कन्नायो का, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया. और यही हमारा उद्देश्य है, और ये उद्देश्य केवल मेरा नहीं है, आप सभी का है. जितने नवयुवक टीचर आ रहे हैं हमारे, जो टीचर आ रहे हैं, तो टीचर बदल देगा पूरे हिंदुस्तान को, पता नहीं चलेगा कब, थोड़ा समय लगेगा. द वर्ड फर्टिव मीन्स, फर्टिव क्या होता है? 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर क्वेश्चन, ये आया था 2005 में. यार अभी क्वेश्चंस तो बहुत हैं भाई, हमको लग रहा है 105 तक रहने दें, इसके बाद 100 क्वेश्चन अभी और है इसमें, इसमें अभी और क्वेश्चन है बहुत. तो इसको मैं रोक करके, या तो एक दिन पूरा और लगेगा, एक सेशन और लगेगा इसमें, तब ये खत्म होगा इंशाल्लाह. बिल्कुल पूरी होगी बेटा जाकिर, तुम भी ऐसा करोगे, मैं अंदर से तुमको इतने लाभ दिखा दूंगा ऐसा करने के, ठीक है ना. आपके बच्चे आपको यूं सल्यूट करेंगे, पापा हमारे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, और वो केवल टीचर नहीं, वो पढ़ाते हैं, वो खाली सैलरी नहीं लाते घर में, और वो मेहनत करना सीखेगा. हाँ, फर्टिव, 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 फर्टिव का मतलब, 105 नंबर क्वेश्चन जानते हो कब आया था? ये आया था 105 नंबर आया था 2005 के पीजीटी में, और ये बिल्कुल ए ही सही होगा इसका, बिल्कुल ए ही सही होगा इसका. स्टील थली है इसका मतलब, ठीक है ना, ये स्टील, ये ई है. अरे हटो उधर, ये स्टील थली, चुपचाप सीक्रेटली, ठीक है ना. तो मैं चलूं क्या? मन नहीं कर रहा है? 7:30 से शुरू किया था, 40 मिनट से ज्यादा लेक्चर होता है तो बच्चा ऊब जाता है. मैंने ये एनालाइज किया है, जो 40 मिनट की क्लास है वो ज्यादा वॉच टाइम देती है, और लोग ज्यादा उसको पसंद और देखते हैं. हाँ, एथिक्स की कमी है बेटा रमेश, लेकिन हमारे जो नवयुवक आ रहे हैं ना आगे, जो मैं जनरेशन ला रहा हूं, पैदा कर रहा हूं टीचर्स, उनको मैं मॉरली इतना स्ट्रांग करूंगा, ठीक है ना, कि वो इमॉरली जुट जाएंगे, अमॉरली भूल जाएंगे, ठीक है. तो आप लोग बस तैयार हो जाइए, बहुत सारी भर्तियां हैं, ठीक है ना. अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग अभी सुपर टेट की भी, टेट क्वालिफाई होंगे, तो वो चाहेंगे कि सुपर टेट की भी तैयारी करें, क्या ऐसा है क्या? तो मैथ्स में अंशुल सर की मैथ्स शुरू होने वाली है अभी 1 तारीख से, और मैथ्स के क्वेश्चन है, और अगर टीचर मिल गए तो एक दो जो बड़ी सब्जेक्ट है उनके टीचर में लगाऊंगा दोपहर में आप लोगों के लिए, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है ना. अच्छा ठीक है, पीडीएफ में देखता हूँ, इसकी मिल गई अगर तो मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराता हूँ. ये आप किताब खरीद लीजिए बेटा, वो अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिए, यूथ कंपटीशन की है ना. मैं मैक्सिमम उसको पूरा ये करवा ही दूंगा, ये वाला पूरा मैं करवा दूंगा इसको, ये पूरी करवा रहूंगा मैं एकदम, ये करवा दूंगा. और कम से कम वहां देखो गड्ढा लगा है 8 किताबों का, ठीक है ना, और एक MCQ छूटेगा नहीं, सब आपके यहां से भेजे में उतार दूंगा मैं, सब उतार दूंगा भेजे में, किसी एग्जाम का कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं, ठीक है ना. आप किताब का नाम जानते हो, जिस भी हो किताब का, वो मेरे पास है, और उसका बेहतरीन मटेरियल आपके अंदर पहुंच चुका है, पहुंच चुकेगा एग्जामिनेशन पहले, ऐसा वादा है. यही मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं सब पढ़ाता हूं, बस उसी में से आता है. कहते सर जी आपने मैटर तो बहुत दिया था लेकिन बहुत फंसा. अरे मैं सब दिया था तो उसी में तो फंसेगा, जाएगा कहां, क्वेश्चन कहां जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा.
मैरी क्रिसमस टू यू ऑल, और ये है मेरा नंबर, अगर मेरे से आपको परमानेंटली जुड़ना है तो आपको थोड़ा सा पे भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा। दूसरा नंबर है मेरा 6375244545, गलत लिख दिए। बीती बातों 7597244445। बस कहना यह है कि इस दुनिया में जब आप यहां से जाओ ना तो उनसे कह के कि तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे। और ऐसे ही गाते गुनगुनाते मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और मैं चला, माइकल सान और नेसफील्ड की बुक लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर समा चुकी है मेरे रूप में, मेरे रूप में माइकल सान और नेसफील्ड दोनों का निचोड़ आपके अंदर पहुंच चुकेगा आपके एग्जामिनेशन आने से पहले, ठीक है ना। चलता हूं, थैंक यू।